नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज़ प्रोटीन सिंथेसिस एट द राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए सिंपली ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जो मैसेंजर आरएनए एन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू सिंथेसाइज हो चुका था न्यूक्लियस में वो मैसेंजर आर शिफ्ट हो जाएगा साइटोप्लाजम में और वहाँ पर एंडोपलाजमिक रेटिकुलम के पास वो जहाँ पर राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे वो पहुँचेगा और उसके बाद उसकी डी की जाएगी या उसको रीड आउट किया जाएगा और वो बेसिकली रीडिंग जो है उसका नतीजा क्या निकले करके हमारे पास एक प्रोटीन की फॉर्म में एक चेंज जो है वो सिंथेसाइज होकर आ जाएगी तो स्टार्ट हम करते हैं ट्रांसलेशन से रेलमेंट जितनी भी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र आर एन ए बेसिकली उसका क्या रोल है हमारे पास ट्रांसलेशन में another type of trans, uh, rna called the transfer rna is important in the translation process it brings the different amino acids coded for the messenger rna into alignment so that the polypeptide can be made transfer rna जैसे नाम से जाहिर है इसका काम होता है transfer करना या transport करना किस चीज को basically इसके साथ एक ऐसी site होती है जिसको हम uh, amino acid attachment site कहते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अमाइनो एसिड्स को यानी अपने साथ अमाइनो एसिड्स को अटैच करता है और फिर लेकर आता है मैसेंजर आरएनए के पास जहाँ पे उनकी डी कोडिंग की जाती है और डी कोडिंग करने के लिए इसके पास एक स्पेशल रीजन होता है जिसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं ये एंटी कोडॉन लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है ये वाली साइड जो एंटी कोडॉन लूप की है ये आकर अटैच होती है मैसेंजर आर एने की तरफ मैसेंजर आरने के पास इससे कॉम्प्लीमेंट्री कोड मौजूद होता है उस कोड को ये डी कोड करता है या एंटी कोडाउन उसके अगेंस्ट जाकर कॉम्प्लीमेंट्री अटैच होता है और ये स्पेसिफिक होते हैं कि जो एंटी कोडाउन इसके पास उस कोड के मुताबिक होगा उसी से रेलिवेंट स्पेसिफिक अमानो एसिड इसके साथ अटैच किया जाएगा जो कि हम जेनेटिक कोड्स पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं जैसे ए यू जी होगा हमारे पास अगर मैसेंजर uh, आरएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो ए यू जी है वो किस चीज़ के लिए कोड कर रहा है मिथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए तो मिथियोनिन अमाइनो एसिड सिर्फ उसके पास उस ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो सकता है जिसके पास ए के अगेंस्ट यहाँ पे एंटी कोडॉन मौजूद हो मौजूद होगा सिर्फ वही उसको डी कर सकेगा और यहाँ पर तभी मिथियोनिन जो है वो पोलीपेप्टाइड चेन का पार्ट बन सकेगा आकर ट्रांसफर आर एन इज फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड एज अ टू डायमेंशनल क्लोवर लीव यानी देखने में हमें लगता है कि क्लोवर लीव जैसे लॉन्ग होता है उसकी तरह से हमें टू डायमेंशनल एक शेप नज़र आती है इसकी ऑल दो द मोलिक्यूल एक्चुअली अंडर गोज अ हैलिकल ट्विस्टिंग यानी अगर आप इसकी एक्चुअल फॉर्म देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमें कुछ इस तरह से ओरिजिनली नज़र आता है लेकिन बेसिकली क्या है कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो बेस पेयरिंग्स हैं वो हो जाती हैं बेस पेयरिंग की वजह बेसिकली ये होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इस तरह से मुख्तफ एरियाज़ के अंदर ये अपने एक एक दूसरे के पैरल लगाकर एडजस्ट हो जाती हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है पेयरिंग पेयरिंग की फॉर्मेशन हो जाती है सेकेंडली हम देखते हैं कि इसी फिगर में जैसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि किसी जगह पर तो उसकी पैरालल पेयरिंग हुई हुई है लेकिन कुछ जगह जो है उससे छूट गई हैं बेसिकली ये इस वजह से होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी बेसिस होती है जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हैं वहाँ पर ये लूप्स की फॉर्म में इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे हम यहाँ पर तकरीबन तीन जो है वो लूप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये लूप्स बनने का वजह ये होती है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती और ये स्ट्रक्चर uh, इस तरह से क्लोवर लीफ शाप टाइप हमारे, हमारे पास नजर आता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द बेसिस अक्रॉस द मेंटेन्स ट्रांसफर आर एन ए कॉन्फिग्रेशन द शेप ऑफ ट्रांसफर आर एन एज इंपॉर्टेंट फंक्शनल इम्प्लिकेशनस अब इसका वही स्ट्रक्चर जो कि हम बता रहे हैं डिस्कस किया है हमने कि ये जो शेप मेंटेन की जाती है बेसिकली ट्रांसफ़र आर एन की इसकी अल्लाह ताला की तरफ से ये हमत है कि इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी शेप्स मेंटेन करना जो कि स्पेशली एंटी कोडॉन लूप बना दें या फिर एक ऐसी साइट मेंटेन कर दें जहाँ पे मायनो एसिड अटैच हो सके आकर The presence of some unusual bases, like other than adenine, thymine, cytosine, guanine, and uracil, it they disrupt the normal base pairing and forms the loop in the molecule. Any अक्सर जगहों पे हम देख सकते हैं कि इनकी पेयरिंग हो जाती है क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मौजूद होती हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं होती हैं या एडन इन गोवन इन, इन साइटोसिन था या यासल के अलावा कोई और किस्म के नाइट्रोजेनस बेसिस वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं हो सकती और इस तरह की लूप्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इसके स्ट्रक्चर में द सेंटर लूप सेंटर लूप इसको कहा गया है द सेंटर लूप द एंटी कोडाउन लूप हैज अक्वेंस ऑफ थ्री अनपेयर्ड बेसिस कॉल द एंटी कोडॉन अनपेयर का मतलब यही है कि यहाँ पर लूप में ये ओपनड होती हैं इस तरह की फॉर्मेशन पेयरिंग की नहीं होती है उनके अंदर तो उनको हम अनपेयर्ड जो है न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस कहते हैं इसमें स्पेशली जो सेंटर लूप होती है जिसको हम एंटी कोडाउन लूप कह रहे हैं वहाँ पे तीन बेसिस का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि मैसेंजर आरने को रीड करने के लिए उसकी डी कोडिंग के लिए स्पेसिफाइड है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेयरिंग ऑफ मैसेंजर RNA codon with its विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री transfer RNA ऑफ ट्रांसफर the amino acids that transfer दैट ट्रांसफर यानी बेसिकली डिपेंड क्या करेगा कि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री bases मौजूद हैं मैसेंजर RNA के अगेंस्ट वो उसकी decoding करेंगी तो यहाँ पर उसके लिए स्पेसिफाइड जो amino एसिड अटैच होगा वो वहाँ पर उसको लीव किया जा सकता है और ट्रांसक्रिप्शन में वो उसको polypeptide चेन बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है नाउ प्रोटीन सिंथेसिस समझने के लिए हम एक तो बेसिकली अपने जहन में कुछ एक पिक्चर बना लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मशीनरी जिसको प्रोटीन सिंथेसिस कहा गया है दैट आर राइबोसोम्स और राइबोसोम्स हमें पता है कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेब्रेंस के साथ साथ जिसकी वजह से हम उसको रॉफ एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम का नाम देते हैं अब राइबोसोम्स के बारे में हमें पता है कि उसके दो यूनिट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एक को हम स्मॉलर सब यूनिट का नाम देते हैं और एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं अब हम देखते हैं जब प्रोटीन मशीनरी तैयार होती है और राइबोसोम्स के बारे में भी हमें पता है कि ये सेपरेटली सिंथेसाइज किए जाते हैं इसके स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट जब प्रोटीन मशीनरी कंप्लीट होना होती है तब ये आकर उस वक्त आपस में अटैच होते हैं और राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली स्टार्ट जब होती है जब न्यूक्लियस में से मैसेंजर आ रहे होकर हमारे पास न्यूक्लियस को छोड़कर वो समझे बाहर आ चुका है वो मॉलिक्यूल हमारे पास पहले जो अंदर एग्जिस्ट कर रहा था अब वो शिफ्ट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आकर अटैच होने वाला है और वो रिकेग्नाइज़ करेगा आकर राइबोसोम्स को और उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा अब राइबोसोम का जो स्मॉलर वाला सब यूनिट है सबसे पहले ये उसकी मशीनरी की फॉर्मेशन में काम आता है स्मॉलर सब यूनिट की हम कह सकते हैं कि उसकी दो साइट्स होती हैं एक को हम पी साइट का नाम देते हैं और एक को हम ए साइड का नाम देते हैं पी साइट इज फॉर पेप्टाइड साइट या पेप्टीडाइल साइट और ए साइड को हम कहते हैं अमाइनो एसाइल साइट अब हमारे पास मैसेंजर आर एन ए जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शिफ्ट हो चुका है वो आकर अटैच हो जाता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ और वहाँ पे उसकी जो स्टार्टिंग रीजन है वो पी साइड के सामने आकर अटैच हो जाता है अब हमें पता है कि मैसेंजर आर एन जो स्टार्ट है वो खास किस्म के सीक्वेंस होता है दैट इज स्टार्ट को डॉन और उसको हम ए यू जी कहते हैं इसको हम स्टार्ट सिग्नल का नाम भी देते हैं जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है जिसमें स्मॉलर सब यूनिट जो है वो राइबोसोम का और उसके साथ मैसेंजर आर एन ए जो है उसका सीक्वेंस आकर पी साइड के ऊपर ए यू जी स्पेशली आकर अटैच हो जाता है उसके बाद राइबोसोम का जो लार्जर वाला सब यूनिट है वो आकर अटैच हो जाता है और इस तरह से प्रोटीन्स के रेलिवेंट जो मशीनरी है वो मुकम्मल हो जाती है अब हमारे पास एक टोटल जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है वो क्या था कि जो राइबोसोम सॉरी मैसेंजर आर एन ए जो है वो शिफ्ट हुआ है न्यूक्लियस से आया है राइबोसोम राज, के स्मॉलर सब यूनिट के पास जिसके आगे से दो साइड्स मैंशन है ई साइड के साथ आकर उसकी अटैच फर्स्ट अटैचमेंट होती है ए यू जी कोड की और इसके बाद आकर जो लार्जर सब सब यूनिट है राइबोसोम का वो भी आकर अटैच हो जाता है और इस तरह से राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है अब हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस लगातार मौजूद है जिसको हम एग्जॉन्स का सीक्वेंस कहते हैं जो कि सिंथेसाइज होकर ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आर एन ए हमारे पास आ गया है अब यहाँ पर क्या है कि ए यू जी इसकी डी कोडिंग की जानी है और डी कोडिंग कौन करेगा हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र आर एन एज होते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको इस तरह से एक लूप स्ट्रक्चर दिखा देते हैं यहाँ पर हम बता रहे हैं कि उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो एक साइड पर अटैच होता है अब ये उसकी सेंट्रल लूप जिसको हमने नाम दिया था जिसके ऊपर थ्री बेसिस का एक सीक्वेंस होगा और सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए जो कि इसको रीड कर सके यानी एडन के अगेंस्ट यूरेसिल यूरासिल के अगेंस्ट एडेन और गुआनिन के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर साइटोसिन होना चाहिए और स्पेशली इसके पास जब ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ स्पेसिफिक ही अमायनो एसिड अटैच होगा दैट विल बी मिथ्योन यही स्टार्ट सिग्नल को कोड करता है अमूमन मिथ्योन ही प्रोटीन्स का सबसे पहला अमाइनो एसिड होता है जो कि आकर अटैच होता है अब ये ट्रांसफर आ रहे जो कि साइटोप्लाजम के अंदर फिर रहा था कहीं और उसने अपने साथ मिथियोन अमायनो एसिड को अटैच किया हुआ था अब ये ट्रैवल करता हुआ इसके पास आएगा और यहाँ पर आकर इसको रिकगनाइज करेगा इसके सामने आकर इसको रीड आउट करेगा जहाँ पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मौजूद होंगी यू ए सी जैसे ही इसकी रीडिंग कर लेगा उसके बाद कुछ एनर्जी जो है वो इसको रिक्वायर्ड होगी जिसकी मदद से ये मिथ्योनिन जो है ये अपने मिथियोन को अपने साथ से डिटैच कर देगा यहाँ से कनेक्शन और उसके बाद इसको हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगा प्रोटीन चेंज के जहाँ पे इसकी बेसिकली मैसेजर आर एन की डी होनी है अब इसी टाइम के ऊपर जब यहाँ पर आके इसकी रीडिंग हो चुकी होती है इसकी जो एसाइल साइट है अमाइनो एसाइल साइट यहाँ पर एक दूसरा ट्रांसफ़र आर एन ए जो कि उसके साथ भी एक मखसूस अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगला सीक्वेंस कौन सा होगा मे बी यहाँ पर जो है वो यू ए हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और इस जो अमाइनो ट्रांसफ़र uh, आ रहे हैं इसके पास इसके एंटीकोडॉन्स मौजूद हैं दैट विल बी ए यू यू अब यहाँ पे इसके साथ कोई सभी जो कि डेफिनेट होगा इस डी कोड के हवाले से या इस कोड के हवाले से जो एसिड है वो फिक्स है अब वो वाला ट्रैवल करते हुए इसकी इस साइट के ऊपर जिसको हम अमाइनो एसाइल साइड कह रहे हैं यहाँ पर आकर उसकी डी कोडिंग के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर इसके पास भी एक अमाइनो एसिड मौजूद है अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही मिथियोन जो अमाइनो एसिड है उसके लिए एंटी कोटोन यहाँ पर रीड आउट कर कर लिया गया है ये वाला जो ट्रांसफ़र आ रहे हैं ये जगह छोड़ देता है और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट वाला जो था वो अपने आप को यहाँ से हटाकर अमाइनो एसाइल साइड से हटाकर पैप्टीडाइल साइड की तरफ ले आता है पैप्टीडाइल बेसिकली वो साइट है जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है और पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा जो मिथियोनिन अमाइनो एसिड था उसके दरमियान में और जहाँ जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आया उसके दरमियान में एक लिंक कॉन्स्टिट्यूट होगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे लेकिन ये तब होगा जब ये पी साइड से ये वाला ट्रांसफर आर एन निकल चुका है और अगले वाला जो ट्रांसफ़र आर एन है वो अपने अमाइनो एसिड्स के साथ इस पी साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा यानी इस तरह से जैसे जैसे मैसेंजर आर चलता जा रहा है आगे की तरफ उसकी डिकोडिंग हो रही है वैसे वैसे ही ट्रांसफ़र आर भी आगे से आगे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं अब हमारे पास एक नेक्स्ट सिचुएशन हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास पी साइट है ए साइट है और हमारे पास अब जो मिथियून वाला अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफर आ रहा था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफर आ रहा था वो अपने अपने अमाइनो एसिड को लेकर इसको हम नंबर वन और नंबर टू से डेजिग्नेट करते थे ये यह यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है अब क्या होगा कि बेसिकली ये वाला जो है वो अपना लिंक तोड़ देगा अपने अमाइनो एसिड से और ये वाला भी अपना लिंक तोड़ देगा और इन दोनों के दरम्यान में एक पेपटाइट लिंकेज जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी मीन वाइल जो ये मैसेंजर आरने था मैसेंजर आरण्य भी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है यानी यहाँ पर जो ए यू जी था अब वो पेप्टिडाइल साइड से निकल कर आगे चला गया है नेक्स्ट वाला जो कोडॉन था जिसको हम सेकेंड वाला कह रहे हैं वो यू ए ए उसके सामने आ चुका है पेप्टीडाइल साइड के ऊपर उसी के अकॉर्डिंगली जो ये उसका ट्रांसफर आर रहा है विद इट्स अमाइनो एसिड वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था और इस तरह से अमाइनो एसाइल साइड जो है वो फ्री हो चुकी है फ्री हो गई है और इसके बाद इसके सामने तीन मजीद न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हो गए हैं उससे रेलिवेंट मैस जो ट्रांसफर आ रन है जिसके पास एक और अमाइनो एसिड है, उसको कॉल कर लिया जाएगा थर्ड वाला ट्रांसफर और वा आकर एडजस्ट कर लेगा यहाँ पर अमान साइट के ऊपर इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें अमायनोइाइल से पी साइट और पी साइट से आगे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए आगे चलता जाएगा इस डायरेक्शन में उसी तरह से ट्रांसफर आर एन पिक करके जाते जाएंगे और ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को अब ये वाला जो है इसकी रीडिंग हो चुकी है ये भी पेप्टिडाइल साइड को छोड़ देगा ये भी आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा अमाइनो एसिड इससे फ्री हो चुका है और ये ट्रांसफर आरान आज़ाद होकर वापस जा रहे हैं ताकि और अमाइनो एसिड्स को अपने साथ अटैच करके वापस आ सकें तो इस तरह से ये एक कैरियर जो है वो निकल जाता है आगे और अमाइनो एसिड को यहाँ पर छोड़ देता है ये वाला थर्ड वाला फिर पी साइड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा इन दोनों के दरम्यान में फिर एक पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा इस तरह से वन टू थ्री फोर जितने भी पेप्टाइड सी स में एसिड रिक्वायर्ड है वो इस तरह से चेन हमारे पास एक जुड़ती जाएगी अन्टेल के ये वाली जो साइट है हमारे पास एंडिंग जो है उसके ऊपर हमने पढ़ा है कि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने लगती है या मैसेंजर आर एन जो है उसका एंड हो जाता है हम अब फर्ज़ करते हैं कि ये मैसेंजर आर एन इसकी टोटल रीडिंग हो चुकी है और आखिर अब इसके ऊपर यहाँ पर एंड आ गया है हमारे पास और यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस मौजूद है जो कि तीन तरह का हो सकता है यू ए ए जी और यू जी ए इन तीनों में से अगर कोई सिग्नल्स यहाँ पर आकर स्टार्ट हो जाते हैं एंड के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि दे आर स्टॉप सिग्नल्स स्टॉप सिग्नल से मुराद क्या है कि अब हमारे पास जितनी प्रोटीन चेन रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हो चुकी है और आखिर में अब ये स्टॉप सिग्नल या रिलीज़ सिग्नल आने लग गए हैं ताकि इसकी फिनिशिंग की जा सके और प्रोटीन को सिंथेसिस को स्टॉप किया जा सके तो जब ये वाले सिग्नल्स इनमें से कोई भी एक अपने आप को एक्सपोज करता है तो उसके मुताबिक उसके सामने कोई भी अमाइनो एसिड या ट्रांसफर आर आकर अटैच नहीं होता क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते बट दैट आर स्टॉप सिग्नल्स जैसे ही ये आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप कर दी जाती है और इस तरह से मशीन

ये ट्रांसफ़र आर एन ए के पास एंटीकोडोन है और इस तरह से ये रीडिंग करते जाना और इसकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते जाना तो राइबोसोम्स बेसिकली ऐसी जगह हैं ऐसी मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की जिनका काम क्या होता है कि मैसेंजर आर एन ए को अपने साथ अलाइन कर लेना और ट्रांसफ़र आर एन ए के पास जो एंटीकोडोन्स मौजूद हैं उनको रिकग्नाइज करके उनकी रीडिंग करते जाना और पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसाइज करते जाना सेवरल साइट्स ऑन द राइबोसोम्स आर बाइंडिंग साइट्स फॉर मैसेंजर आर एन एंड ट्रांसफर आर एन ए जिन साइट्स को मैंने आपको बताया कि पी साइट और ए साइट के नाम से जिस तरह से एग्जाम्पल्स हैं तो इस तरह की बताया गया है कि राइबोसोम्स के ऊपर ज़्यादा जगह होती हैं जिनको जिनका काम होता है बेसिकली मैसेजर आर एन ए को रिकग्नाइज करना या ट्रांसफ़र आर एन ए को अपने साथ अटैच करवाना और उसको रिकग्नाइज़ करना एट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन मैसेंजर आर एन ए बाइंड राइबोसोमल सब यूनिट यानी सबसे पहले जब प्रोटीन सिंथिस स्टार्ट होती है उसमें ये सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट जो हमें लाइटर शेड में नजर आ रहा है इसके साथ मैसेंजर आर एन ए आकर अटैच होता है अभी लार्जर सब यूनिट उसके साथ मौजूद नहीं होता सबसे पहले ये दोनों जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं स्मॉलर सब यूनिट प्लस मैसेंजर आर एन ए Attachment of the messenger RNA requires that the anticodon AUG of the messenger RNA be aligned with the P site of the ribosome. P site जो है उसकी हमने यहाँ पे define कर ली है. सबसे पहले messenger RNA जैसे ही आता है smaller units ribosomes के साथ AUG उसके पास जो code है वो expose कर देता है P site के ऊपर अ ट्रांसफर RNA with complementary the विद anticodon of कोडॉन ऑफ फॉर मिथ्योनियन बाइंड टू द मैसेंजर आर एन एंड द लार्जर सब यूनिट फॉर्मिंग का कम्पलीट राइबोसोम्स जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर बनता है स्मॉलर सब यूनिट प्लस मैसेंजर आर एन ए का ये जो स्टार्टिंग कोडोन ए यू जी ये पी साइड के ऊपर आकर अटैच होते हैं उससे रेलिवेंट उससे कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा ट्रांसफर आर एन ए जिसके साथ मिथ्योनियन अटैच्ड है वो उसको रिकोगनाइज करने के लिए फ़ौरन पहुंच जाता है और जैसे ही ये स्ट्रक्चर होता है स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर एंड प्लस फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए विद मेथियोनीन ये जब आपस में एक लिंक बनाते हैं राइबोसोमल जो लार्जर सब यूनिट है वो उनके साथ आकर अटैच हो जाता है और इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कैन नाउ बिगिन अब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन के सिंथेसिस अब स्टार्ट हो सकती है अ सेकंड ट्रांसफर आरएनए सॉरी एन अदर साइट ए एट अमायनो एसाइल इज नेक्स्ट टू द पी साइट अब हमारे पास उसी स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर एक और साइट भी मौजूद है दैट इज डेजिग्नेटेड एज ए साइट या अमायनो एसाइल साइट ट्रांसफर आर एन हुज एंटी कोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन इन द ए साइट इज पोजिशनड अब हमारे पास कोई भी जो दूसरा जिसके पास स्पेशली जी जी ए के कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंटीकोडॉन मौजूद होगा वो ट्रांसफ़र आर आने रिकगनाइज़ करने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा और उस ए साइट के ऊपर अपने आप को आकर अटैच कर लेगा और उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो इसी कोड और एंटी कोड के मुताबिक है दैट इज़ ग्लाइसिन उठाया हुआ है और यहाँ आकर अमाइनो अमाइनो साइट के ऊपर आकर अपने आप को ये अटैच कर लेता है अकेंड ट्रांसफर आर एन एज एंटी कोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री डू द कोडॉन ए साइड इज पोजिशन टू ट्रांसफर आर एन ए मोलिक्यूल्स विद दियर अटैच्ड अमाइनो एसिज आर नाउ साइड बाई साइड इन पी साइड एंड ए साइड अब इस पोजिशन पर हमारे पास क्या हुआ है कि दो जो बेसिकली हमारे पास ट्रांसफर आर एन एज हैं वो साइड बाई साइड एक पी साइड के ऊपर मौजूद है और एक ए साइड के ऊपर मौजूद है वो आकर साइड बाई साइड अरेंज हो जाते हैं दिस step रिक्वायर्स एनजाइम एड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गोनिन ट्राईफॉसफेट जी टी पी अब यहाँ पर इस मौके पे हमें पर हमें एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है बेसिकली एनर्जी इसलिए चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसफर आर एन ए और ये जो अमाइनो एसिड्स उनके रेलिवेंट हैं इनके दरमियान जो एक लिंक मौजूद है उसको तोड़ा जा सके और इन दोनों के दरम्यान में जो अमाइनो एसिड्स दो किस्म के हैं इनके दरम्यान में लिंक को जोड़ा जा सके ठीक है इन अपना जो रेलिवेंट ट्रांसफर आर एन ए है वो यहाँ पर इसको छोड़ दे और दूसरे जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके साथ ही अपना लिंक बना सके तो इस मकसद के लिए एक स्पेशल जो है मोलिकुलर एनर्जी का दैट इज जी टी पी गोअन ट्राईफॉसफेड दैट इज रिक्वायर्ड एन एनजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द लार्जर सब यूनिट ट्राइबोसोमल सब यूनिट इ्रेक्स द बॉन्ड बिटवी द असिड एंड ट्रांसफर आर एन द पी साइड एंड कैटलाइज इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्राइट बॉन्ड बिटवी द अमानोसिड एंड द अमायनो एसिड इन द ए साइड इसके लिए अब क्या है कि हमारे पास एक तो जी टी पी रिक्वयर्ड है जी टी पी क्या करेगी कि इन दोनों के जो लिंक्स एंड ट्रांसफर आर एन एज प्लस इनके अपने रेलिवेंट अमानो एसिड्स के इनको तोड़ेगी और एक और हमें एनर्जी सोर्स चाहिए है जो कि लार्जर सब यूनिट के पास होता है और लार्जर सब यूनिट के पास हो एनर्जी सोर्स दैट इज एन एंजाइम जिसको हम पेप्टिडाइल ट्रांसफीरेज कहते हैं पेप्टिडाइल का मतलब क्या है पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रांसफर करने वाला तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि पेप्टाइड लिंकेज कॉन्स्टिट्यूट करेगा या अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड जो है उनका लिंक आपस में बनाएगा तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज यह काम करेगा कि दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ देगा ए टी पी प्रीवियसली कन्फर्ड द एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू द बॉन्ड बिटवीन द अमायनो एसिड एंड ट्रांसफर आर एन एनिनी ए टी पी पहले ही अपना काम कर चुकी होगी जो कि अमायनो एसिड और उसके ट्रांसफर आर एन ए को आपस में अलहदा कर चुकी होगी द मैसेंजर आर एन एस स्टैंड मूवस अलॉन्ग द रबोसोम डिस्टेंस ऑफ वन कोड ऑन उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये जो मैसेंजर आ रहा है पहले हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहले भी उसकी लेंथ स्टार्ट हुई थी और पहला कोड वहाँ पे सामने एक्सपोज हुआ था अब वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका है यानी पी साइड को छोड़कर थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है ए यू जी जो है उनकी डी हो चुकी है वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं और अगला कोडाउन जो है वो पी साइड के ऊपर एक्सपोज हो जाता है दिस स्टेप रिक्वायर्स मोर इंजमेटिक एक्शन एंड मोर एनर्जी फ्रॉम जी टी पी द ट्रांसफर आर एन ए विद टू अमाइनो एसिज अटैच टू इट दैट वॉज इन दाइट इज नाओ ऑन द पी साइड यानी इस फिगर में जो हमने देखा था कि वो वाला सीक्वेंस जो कि सेकेंड वाला था एू जी के बाद जी जी ए पहले जो कि ए साइट के ऊपर मौजूद था अब वो शिफ्ट होकर जी जी ए जो है वो पी साइट के ऊपर आ चुका है और ए साइट जो कि पीछे खाली हो गई थी उसके ऊपर अगला वाला को डाउन अपने आपको यू जी यू अपने आपको एक्सपोज कर सकता है और वहाँ पर एक नया ट्रांसफर आर एन ए अपने साथ एक और माइनोसिट को लाकर यहां पर अटैच हो सकता है दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अंटिल द एंटायर मैसेंजर मैसेजर आर एज बिन ट्रांसलेटेड एंड अ पोलीपेप्टाइट चेन हैज़ बिन सिंथेसाइज्ड तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मैसेंजर आर एन ए की डी होती जा रही है वो आगे से आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मिथ्योन के साथ ग्लाइसिन ग्लाइसिन के बाद अगला जिसकी डी हो गई है सिस्टीन को छोड़ कर चला गया सिस्टीन के बाद अगले वाला लाइसिन आकर अटैच हो गया अनटिल के हमारे पास पूरे का पूरा मैसेंजर आर एन ए जो कि आगे शिफ्ट होता जा रहा है उसकी रीडिंग होती जा रही है और पोलीपैप्टाइट चेन हमारे पास सिंथेसिस के बाद यहाँ पर अचीव हो चुकी है ऑफन मैनी रेबोसोम्स ट्रांसलेट अंगल मैसेंजर आर एन एस ट्रांड साइमल्टियसली ये हमने बेसिकली अपनी कन्वीनियंस के लिए यह देखा कि एक रॉइबोसोमल जो यूनिट है उसको हमने स्टडी किया कि उसके ऊपर कैसे डी कोलिंग होती है एक मैसेंजर आर एन ए की अदरवाइज जो है हम नेचर में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक की बजाय चेन में रॉबोसोम होते हैं जिन्होंने यहाँ पर भी एक राइबोसोम है यहाँ पर भी एक रेबोसोम है उन्होंने एक लड़की की फॉर्म में पेरो वहाँ मैसेंजर आ आरान के अपने ऊपर और वहाँ पर उसकी बहुत से मिलकर उसकी डी करते जा रहे हैं और मकसद क्या होता है कि ज़ाहरी बात है एक अकेला राइबोसोम अगर उसको उसकोडिंग को डी करने वाला अगर मौजूद होगा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा लेकिन अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक चेन में अटैच हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली उसकी रीडिंग होती जाती है तो ये स्पीड अप प्रोसेस हो सकता है और यही चीज़ बेसिकली चाहिए होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कि जितनी जल्दी प्रोटीन की तैयारी हो जाए उतना ज़्यादा फैसिलिटेशन होती है मेटाबोलिज़म की ऑफ़न मैनी रेबोजोम्स ट्रांसलेट सिंगल मैसेंजर आर एनेल्टेनियसली ट्रांसलेसन एंड वन द टर्मिनेशन को डॉन लाइक यू एज एनकाउर्ड अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ख़त्म होना होती है बेसिकली ट्रांसलेशन uh, या जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है वहाँ पे स्टॉप सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं फॉर एग्जांपल यू ए एक स्टॉप सिग्नल है प्रोटीन्स कॉल्ड द रिलीज़ फैक्टर्स एज वेल एज द हाइड्रोलिस ऑफ जीटीपी टू जीडीपी एंड इन आर्गेनिकट आर इन्वाल्व इन द रिलीज ऑफ राइबोसोम्स फ्राम द मिसेंजर आर अब उस मौके पर जब हमारे पास स्टॉप सिग्नल आ जाते हैं स्टॉप सिग्नल आने से क्या होता है कि वो किसी अमाइनोसेट के लिए तो कोड नहीं कर रहे होते लेकिन वो मुख्तफ स्ट्रक्चर्स को रिलीज़ प्रोटीन्स को कॉल कर लेते हैं रिलीज़ प्रोटीन का मतलब क्या है कि अब वहाँ पर फिनिशिंग होनी है वहाँ पर खत्म कर दिया जाना है ट्रांस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस उस मौके पे क्या होगा कि एक तो मैसेंजर आरएनए और ये जो यूनिट्स राइबोसोम्स के इनको फ्री कर दिया जाना है सेकेंडली जो जी टी पी एनर्जी यहाँ पर यूज़ की जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है उसको हाइड्रोलाइज करके जी डी पी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना दिया जाता है ताकि जी टी पी की रिक्वायरमेंट ही ना रहे इन स्पाइट ऑफ़ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ट्रांसलेशन द प्रोसेस इज़ वेरी रैपिड यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक यूनिट को देखते हुए उसको ऑब्जर्व किया कि वो कैसे उसकी डिकोडिंग होती है अदरवाइज जो है वो एक चेन ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाती है मैसेंजर आ रहने के साथ उसकी मुसल डिकोडिंग होती जाती है और ये रैपिडली फिर इसको रीड आउट करते हैं अप्रोसीटली ट्वेंटी पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म एवरी सेकेंड यानी एक सेकेंड के अंदर बीस पेप्टाइड बॉन्ड्स बन सकते हैं यानी बीस अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो सिर्फ एक सेकंड के अंदर बन जाता है एंड एवरेज साइज प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज इन अबाउट फिफ्टीन सेकेंड्स एट अ कॉस्ट ऑफ फोर हाई एनर्जी बॉन्ड्स पर पेप्टाइड बॉन्ड यानी हमारे पास फोर हाई एनर्जी बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी एनर्जी हमने एक्वायर करके जितनी एनर्जी यूटिलाइज करके ये दो बॉन्ड्स बनाए हैं वो फोर एनर्जी बॉन्ड्स के बराबर हैं तो इस तरीके से उनको तकरीबन फिफ्टीन सेकेंड्स लेते हुए एक लंबी सी चेन प्रोटीन की सिंथिसाइज की जा चुकी होती है नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस के बाद उसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है या उसकी मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं Proteins synthesized in the translation process have a variety of destinations in an animal. Ab पता है कि प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट नेचर की होती हैं डिफरेंट उनके काम होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उसी सेल के अंदर रह कर काम करें बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है और वो उनकी डेस्टिनेशन कोई डिफरेंट साइट्स भी हो सकती है यानी उस सेल से बाहर जाकर उनको कहीं से और सिक्रीट करना होता है सम आर सिक्रीटेड फ्राम द सेल सम समर इनकॉर्बोरेटेड इंटू द लाइबोजो लाइजोजोम सम मेकअप कॉम्पोनेट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड सम मेकअप द सेल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं और सारी प्रोटीन्स इसी तरीके से तैयार की गई थी जैसे हमने अभी ट्रांसलेशन में डिस्कस किया Others act as enzymes. मोस्ट प्रोटीन्स आर सिंथिसाइज्ड एज प्री प्रोटीन्स यानी जो कि प्रोटीन हमने तैयार करवाई है अभी वो हमेशा फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होती है उसको हम प्री प्रोटीन का नाम देते हैं जो कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में आप कह सकते आती है उसके बाद उसकी फिनिशिंग या मॉडिफिकेशन भी करना ज़रूरी होता है प्री प्रोटीन्स हैव अ सिक्वेंस ऑफ अमाड्स अटैच एट वन एंड दैट हेल्प्स डायरेक्ट डेम टू देयर डेस्टिनेशन पहली बात तो यह है कि उनके पास एक जैसे प्रोमोटर साइट कहा जाता है प्रोमोटर का मतलब क्या होता है सिग्नीफाई करना या उसको रिकग्नाइज़ करना कि उसकी डेस्टिनेशन होगी उसी तरह से हर प्री प्रोटीन जो कि तैयार होकर आई है उसके ऊपर एक खास सीक्वेंस होता है माइनो एसिड्स का जो यह डिटर्मिन करता है कि उसने इसी सेल के अंदर रहना है

यानी जैसे जैसे राइबोसोम्स के ऊपर ये सिंथेसिस होती जाती है एसिड सीक्वेंस की या पोलियोपैप्टाइड चेन की ये चेन लंबी होती जाती है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स हैं उनके अंदर मूव कर जाती है वंस द प्री प्रोटीन इज वंस द प्री प्रोटीन और द पोर्शन ऑफ इट इज थ्रू द मेब्रेन अमायनो एसिड्स दट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फिश प्रोटीन आर क्लीव्ड फ्राम द मोिक्यूल एंड वैन द ट्रांसलेशन इज फिनिश द प्रोटीन कैन बी मूव टू द गॉल्जरेटर्स फॉर पैकेजिंग इन टू द सिक्रेटरी वेजिकल्स और अलाइजोसोम यानी जैसे जैसे एंडोप्लाजमिक रेडिकुलम की चैनल्स के अंदर शिफ्ट होता जाएगा वो मॉलिक्यूल उसकी फिनिशिंग साथ ही स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर जो गैर ज़रूरी हिस्से होते हैं अमायनो एसड्स के उनको क्लीव कर दिया जाएगा काट लिया जाएगा और एक फिनिश्ड जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का पोलिपेप्टाइड चेन का उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा गॉलजरे ऑपरेटर्स की तरफ ताकि उसकी पैकेजिंग हो जाए उसको वेजीकल्स की फॉर्म में या लाइजोसोम जो भी उसकी डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से उसको तैयार कर दिया जाए